हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज मैं आपको डिटॉक्स वाटर बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 2 दिन पहले बनाया था, ये ना मेरा इतना बचा हुआ है, तो मुझे आज बनाना था तो मैंने सोचा चलिए वीडियो शेयर कर दिया जाए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1 लीटर की बॉटल है मेरी। और ये किस चीज़ की बॉटल है? ये है आई पल्स की है ये। और ये पूरा ये जो है ना, ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन मुझसे वीडियो नहीं बनी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो ना कि आई पल्स क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से लेना चाहिए, तो आप मुझे बताना, फिर मैं मंगवाऊंगी दोबारा और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिटॉक्स वाटर मेरा इतना बचा है, ये 1 लीटर की है और ये 2 दिन से मैं पी रही हूँ। मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहता है कि इसको पीना भी है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरीके से हम डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। यह है दालचीनी, ये दालचीनी है जो सब्ज़ी वगैरह में मिलते हैं ना, वो दालचीनी। यह है छोटी इलायची जो ग्रीन जो रहती है ना, वो वाली। और ये जो आप देख रहे हो, ये है हल्दी, जो कच्ची हल्दी जो होती है ना, ये बस ये 3 चीज़ें ही मैंने दी है। आप अपने अकॉर्डिंग काली मिर्च डाल सकते हो, अदरक हो जाता है, लौंग हो जाता है, जो भी आपको सूट करता है ना, वो आप अपने डिटॉक्स वाटर में डाल सकते हो। और आपको चाहिए पानी, 1 लीटर पानी चाहिए आपको। जितना बनाना है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। और कोई भी खाली बॉटल ले लीजिए, या तो वो शीशे का होना चाहिए या फिर स्टील का होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनता है ये। 1 लीटर पानी में आपको 1 हरी इलायची डालनी है, और इतना मैंने ये दालचीनी लिया है, इतना सा लिया होगा मैंने। और ये है कच्ची हल्दी, ये मैंने कच्ची हल्दी ये हाफ लिया है, हाफ रहने दिया है, और हाफ मैंने इसको कट कर लिया है। तो आप इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा ही कट करें, क्योंकि ग्लास में अगर वो पानी के साथ आ जाए तो आप इजीली उसको हटा पाए। तो अब ये चीज़ें जो है हम बॉटल में डाल देंगे। दालचीनी जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, आपके पेट को कम करता है, चर्बी को ख़त्म करता है, पेट में जो चर्बी रहती है ना उसको हटाता है, ये पेट को साफ कर देता है। तो इसलिए मैंने इसमें दालचीनी रखी है। और एक दूसरे तरीके की भी दालचीनी आती है, तो उसमें ना ऑयल ज़्यादा रहता है, तो अगर आपको स्किन के लिए, स्किन के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं, तो आप वो वाली दालचीनी डाल सकते हो, वो ज़्यादा गर्म होती है। और ये जो हरी इलायची में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, कि ये ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के कोने कोने में पहुंचाते हैं, तो इसलिए मैं 1 ही इलायची डाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो आ जाता है। 1 लीटर पानी में 1 इलायची बहुत है, आप चाहो तो 2 भी डाल लेना, लेकिन मुझे 1 ही पसंद है डालना, अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ये जो कच्ची हल्दी है गाइस, अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो ना, तो आप अवॉइड ही करना, क्योंकि कच्ची हल्दी ज़्यादा फायदा करती है बॉडी को। हल्दी डालना, इसके इतने फायदे हैं, एक तो आपको बीमारियों से बचाता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, कोई भी अगर चोट लगी है या कोई दाग धब्बा है उसको ये ख़त्म करता है। तो इसके लिए यहाँ पे कच्ची हल्दी स्किन लाइटनिंग के लिए रखा है, और हरी इलायची रखा है क्योंकि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जा पाए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जब हर जगह जाता है ना, तभी आपकी बॉडी चमकती है, आपकी स्किन चमकती है, आपका फेस चमकता है। तो हरी इलायची ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। और अब इसको हम पूरा पानी से भर देंगे, ये 1 लीटर की बॉटल है, अब इसको पूरा भर देंगे हम, और इसको छोड़ देना है आपको। अगर आप रात को इसको भर के रख देते हो ना, तो आपको मॉर्निंग में लेना है, 10-12 घंटे के लिए इसको रहने देना है, और उसके बाद इस बॉटल का पानी पीना है। तो मैं इसमें पानी भर देती हूँ। पानी जो है ना, आप फिल्टर का ही ले, क्योंकि ये 1-2 दिन 3 दिन रह जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप फिल्टर का पानी इसमें ले। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें पानी पूरा फिल कर दिया है, पानी डाल दिया है पूरा, और इसको 12 घंटे के लिए मैं ऐसे ही रहने दूंगी पूरी रात। और इसकी मैं बात बताऊं तो इसको मैं कहाँ रखती हूँ, अपने बेडरूम में रखती हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने रहे और मैं उसको ले पाऊँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो जब भी मुझे याद आता है या फिर मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ, तो उसको ज़रूर लेती हूँ मैं, और नहीं तो बाहर रहती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो जहाँ पे आप ज़्यादा रहते हो ना, वहाँ पे इसको रखें, ताकि आपको याद रहे कि हमें ये डिटॉक्स वाटर पीना है। आपके टॉक्सिन को ख़त्म करता है, स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करता है, चर्बी घटाता है,
पेट को कम करता है और क्या चाहिए, इसके इतने सारे बेनिफिट हैं और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें बताती हूँ और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। मैं उसको ले रही ना, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन आप टेस्ट कर लेना क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो वैसे कोई इसका हार्मफुल रिजल्ट नहीं है, मेरे ऊपर तो अच्छा वर्क किया है तो आपके ऊपर अच्छा वर्क करेगा, तो इसे ज़रूर लेके देखना। और ये इतना पानी मेरा बच गया था, ये इतना पानी मेरा था ये बॉटल में, तो इसको मैंने कटोरे में निकाल लिया है। तो अगर आप है ना, अगर जैसे कि विंटर का टाइम है तो आप ठंडा पानी नहीं ले सकते हो, तो इसको हल्का वार्म करके भी ले सकते हो। हल्का सा आपको गुनगुना करना है पानी को और आप पी लो। वैसे आप ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि जितनी चीज़ें हैं ना तो गर्म है, तो कोई आपको ठंड नहीं लगने वाली है और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, मतलब इसके अंदर की चीज़ें ये, तो इसको मैं छान के पानी को पी लूँगी और बाकी जो चीज़ें वो चली जाएगी सब्जी में, क्योंकि पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। 2-3 दिन तक आप इस पानी को यूज कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होने वाला। ओके, तो इसको मैं ओवरनाइट के लिए रहने दूँगी और इसका भी मैं लेने वाली हूँ। इसका ये गोल्डन कलर कितना अच्छा लगता है ना देखने में, तो जब भी इसको आप पूरी रात रहने दोगे ना ओवरनाइट, तो ये और भी ज़्यादा इसका जो पानी का कलर है ये गोल्डन हो जाएगा और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ उसको ट्राई करके देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।